क्या लगता है कि पूरे आपके बिहार में जितने भी समर्थक हैं आरजेडी के या हीना साहब या सहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं, उनको लगता है कि एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है, निर्णय पर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है? आपका पुनः विचार का कोई बात ही नहीं है। वो राजा तो अभी छोड़ी कहाँ है, उन्होंने कहा है कि मैंने राजा छोड़ दिया है, मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी के पास उनका इस्तीफा लेटर है? मैडम क्या तो है इस्तीफा लेटर किसी के पास? वो अभी संसदीय बोर्ड की मेंबर है, उन्होंने कहा मैं अभी न्यूट्रल हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने पार्टी छोड़ दिया, मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोग अपने मन में जो लड्डू फोड़ रहे हैं उनका लड्डू बनने वाला नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगे। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने मेन रोड सिवान। जो बैकग्राउंड में आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिवान का आइकॉनिक जगह व्हाइट हाउस है, और व्हाइट हाउस के सामने ये तमाम जो है पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समर्थक लोग हैं। सना साहब हमारे साथ हैं। अभी अभी अवध बिहारी चौधरी आए, और राजद के जो भी सिवान के मजबूत नेता हैं, जो दिग्गज नेता है, तमाम आए, सब लोग आए थे, आप भी आए हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, राजद का कार्यालय है, ये राजद का कार्यालय है, राजा हम सभी राजद के कार्यकर्ता आए झंडा तोलन करने। राजद में तो खिसा खिसी चल रहा था। किस चीज़ का खिसा खिसी? जहाँ रहेंगे तो खिसा खिसी नहीं होगा, जहाँ रहेंगे वही ना खिसा खिसी होगा। हीना साहब नहीं दिख रही हैं। हीना साहब का तबीयत खराब है थोड़ा, इसीलिए वो नहीं आ पाई हैं। अच्छा जी। और आज यहाँ पर, चूँकि ये वो जगह था जहाँ पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब अक्सर आते थे, बैठते थे, आप लोग भी आज यहाँ हैं, कैसे याद कर रहे हैं उनको? ये शहाबुद्दीन साहब का पर्सनल प्रॉपर्टी है, उन्होंने कार्यालय इसमें खुलवाया अपने प्रॉपर्टी में, और राजद का कार्यालय खुला के दिया है, और ये अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अभी कुछ मीडिया में खबरें चल रही थी, मैडम का एक बयान भी था उसको लेकर के, ये तमाम बातें चल रही हैं, सर्कुलेट हो रही है, जी, ये एक सच्चाई है, आपका इस पर क्या कहना है? मैडम ने कहा कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ। मैडम की परेशानी है, शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद वो इद्दत में चली गई, इद्दत के बाद वो शादी में चली गई, अब अपने बाल बच्चों का शादी की, शादी के बाद मतलब भाई ओसामा को गलत केसों में फंसा दिया गया, उसके बाद पूरी फैमिली हमेशा परेशान है। उनका परेशानी समझने वाला कोई नहीं है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी छोड़ दिया, वो अभी संसदीय बोर्ड की मेंबर हैं, सब कुछ हैं। अगर जो लोग भी अगर ये ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। फाउंडर मेंबर थे शहाबुद्दीन, फाउंडर मेंबर हैं राजद के, फाउंडर मेंबर हैं शहाबुद्दीन। मैडम छोड़ेंगे तो इतना आसानी से छोड़ेंगी? एकदम कुछ नहीं होगा, अभी मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम का जो डिसीजन होगा हम लोग उस डिसीजन पर रहेंगे, मैडम का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन पर हम लोग रहेंगे। मैडम राजद में है ना, आपको क्या जानकारी? अभी तक तो राजद में है। मैडम ने ये थोड़े क्या है मैंने राजद से इस्तीफा दे दिया है, मैडम अभी तक तो राजद में है। अगर मैडम छोड़ेंगी होने की बात कही तो न्यूट्रल राजनीति से भी न्यूट्रल परेशान है भाई। अच्छा। आप सोचिए कि 2 साल से परेशान है, शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, शादी ब्याह में बच्चे पे गलत केस में फंसा दिया गया, वो परेशान है। तो उस परेशानी के चलते वो कुछ बोल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने राजद को छोड़ दिया है। क्या लगता है कि पूरे आपके बिहार में जितने भी समर्थक हैं आरजेडी के या हीना साहब या सहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं, उनको लगता है कि एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है, निर्णय पर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है? आपका पुनः विचार का कोई बात ही नहीं है। वो राजा तो अभी छोड़ी कहाँ है, उन्होंने कहा है कि मैंने राजा छोड़ दिया है, मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी के पास उनका इस्तीफा लेटर है? मैडम क्या तो है इस्तीफा लेटर किसी के पास? वो अभी संसदीय बोर्ड की मेंबर है, उन्होंने कहा मैं अभी न्यूट्रल हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने पार्टी छोड़ दिया, मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोग अपने मन में जो लड्डू फोड़ रहे हैं उनका लड्डू बनने वाला नहीं है, सीधा बात है। कुछ लोग लड्डू फोड़ रहे हैं, वो लड्डू नहीं मिलने वाला है, यही समझ लीजिए। मैडम जहाँ है वहाँ रहेंगी,
शाहुद्दीन साहब ने कहा था ना लालू से कोई ऊपर ना कोई नीचे ना दाएं ना बाएं। आज भी मैडम और उनकी फैमिली उसी बात पे है, अभी तक मैडम का कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैडम का कोई भी डिसीजन आएगा उस टाइप का तो हम लोग उनके साथ हैं, हर डिसीजन के साथ हम लोग रहेंगे। पूरा आदमी साथ है मैडम के साथ, हर डिसीजन के साथ है, हर डिसीजन के साथ हैं मैडम के। देखिए हम लोग का डिमांड था, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग का डिमांड था कि हिना साहब को राज्यसभा सांसद में भेजा जाए, भेजा जाए। हम लोग का डिमांड उन्होंने नहीं माना, दूसरे को भेजा, ठीक है। तो मैडम से बात हुई है, मैडम ने अभी कोई वैसा ऐसा कार्यकर्ता है तो डिमांड करना हमारा काम है, हम अपने से बड़ों से ना डिमांड करेंगे। अगर डिमांड नहीं करेंगे तो मालूम कैसे चलेगा, तो हम लोग डिमांड किए हैं। चलिए तो मैडम का तो हक बनता था राज्यसभा भेजने के लिए, मैडम डिमांड है। साहबदीन साहब यहाँ फाउंडेशन थे, राजद के फाउंडेशन थे, राजद के मजबूत को किसने किया, साहब ने किए, पूरा तो साहब ने किए, राजद मजबूत था। 8 विधानसभा में 6 सीट लाए ना हम लोग। आप लोग ये नारा वारा लगा दिए तेजस्वी और लालू जी के खिलाफ, कहाँ नारा लगा दिया भाई, कौन नारा सुना है भाई? नहीं नहीं, गलत बात है, कोई नारा नहीं लगाया, गलत बात है। नारा लगाने से क्या होता है, नीतीश कुमार जी को सुनिए सुनिए, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी और राजद के सभी कार्यकर्ता ने क्या नहीं बोला, साथ हुए कि नहीं, बीजेपी के लोगों ने क्या नहीं बोला, साथ हुए कि नहीं, ललन सिंह आज जो जेडीयू के मेन ये हैं उन्होंने नीतीश कुमार को क्या ऐसा बात नहीं बोला 2013-14 के सन में, आज वो दोनों आदमी साथ हैं कि नहीं। तो हमारा काम है, नारा क्या होता है, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र जबान है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर पाबंदी। अगर हमारा कोई चीज आदमी है, कोई एक लगा दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, 50 आदमी है एक लगा दिया तो उसमें कौन सी बड़ी। चलिए तो ये एक अच्छी खबर, सिवान राजद परिवार एक है, किसी तरीके का शिकवा शिकायत नहीं है, और छात्र राजद के जिला अध्यक्ष अफजल सना ने ये बात कंफर्म किया। हम आपको ये तस्वीरें जो देख रहे हैं सिवान के व्हाइट हाउस की तस्वीरें, और